वाह क्या बात है, क्या बात है। अगर ऐसी बारिश होती रही तो कल तो स्कूल से पक्का हाफ डे मिल जाएगा। न्यूज़ पे चेक करता हूँ, पक्का कुछ आ रहा होगा। माँ कसम, नहीं सच्ची। ओके देवी और सज्जनों, हमें सूत्रों से पता चला है कि हर जगह पानी भर जाने के कारण कल गवर्नमेंट ने स्कूल और कॉलेज की हॉलिडे डिक्लेयर की है। जी हाँ, कल स्कूल से छुट्टी है, कॉलेज का पता नहीं, स्कूल की कसम से छुट्टी है। माँ कसम, नहीं जाओ स्कूल, नहीं जाने ही दिए, नहीं जाओ, छुट्टी। मजा आ गया, छुटकारा मिला वही गंदे बच्चों से, होमवर्कों से, मैथ्स क्लास से। नहीं जाऊंगा कल स्कूल। अब मैं कल आराम से उठूंगा, फिर आराम से सो जाऊंगा, उसके बाद दबा के लंच करूंगा, ब्रश करूंगा, नहाऊंगा, नहीं नहाऊंगा, जी हट। छोटा भीम का पूरा सीजन खत्म करूंगा, फिर जशु के साथ गटर मस्ती करूंगा और उस गटर मस्ती की वीडियो मैं वीमेट ऐप पर अपलोड करूंगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वो वीडियो शेयर करूंगा और फिर लोग मुझे वीवी गिफ्ट देंगे और उस गिफ्ट से मैं पैसे कमाऊंगा और फिर उन्हीं पैसों से मैं एक टैंकर खरीदूंगा और वो टैंकर के पानी से मैं पूरे स्कूल को रोज भिगाऊंगा और रोज छुट्टी लूंगा। थैंक यू भगवान, तूने मुझे जिंदगी दी, कल मेरा इंडिपेंडेंस डे। मैं कल आराम से उठूंगा। क्या है मम्मी, क्यों उठा रहे हो? चल स्कूल जा। सेठ आज स्कूल नहीं जाएंगे। अरे डूब गया स्कूल, टीचर है कीचड़ों में बह गई, प्रिंसिपल नाले में बह गया, स्कूल बचा ही नहीं तो स्कूल जाके करूंगा क्या? अरे स्कूल आ रहा है। अरे बार बार चपाटे क्यों मार रही हो मम्मी? कल दिखाया था न्यूज में कि स्कूल बंद है, ये देखो। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कल के जो हरामी सूत्र थे उन्होंने हमारा लंबा वाला काटा और आज हमें पता चला है कि जो हमने बताया था ना कि आज स्कूल और कॉलेज में छुट्टी रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कूल चालू है और तो और 2 घंटे एक्स्ट्रा चालू है। तो जो भी घर पे बैठे ना, जो जो प्लान बनाए थे सब कैंसिल करो, चलो स्कूल जाओ, निकलो स्कूल, चलो स्कूल जाना ही है आज। आज अगर स्कूल नहीं गए जिंदगी भर तुम कभी कॉलेज स्कूल किधर नहीं जा पाओगे। स्कैम है मम्मी। सुन, वो काली टी शर्ट देख इधर, निकल पकोड़े, कोई जरूरत नहीं घर पे तेरी, पहली फुर्सत में निकल, खाता घर का गाता स्कूल का, हट मादर भगत, निकल। यार साला वापस कैब से जाना पड़ेगा, एक काम करता हूँ भोला कैब बुक करता हूँ। नो कैब्स अवेलेबल, ठीक है थोड़ा वेट करता हूँ। हाँ मिल गई, 500 रुपये। साला जहाँ पे 150 लेते वहाँ पे 500 रुपये ले रहे साले चोर। 1000 रुपये। शुक्र है बारिश तो बंद हो गई, अभी चेक करता हूँ। 5000। अच्छा, कितना बोला? 2 लाख। भाई मेरे हेलीकॉप्टर नहीं मंगा रहा हूँ, कैब मंगा रहा हूँ। अच्छा 10 लाख। दादा 1 लाख मेरे को दो, मैं खुद पूरा साल गाड़ी चलाएगा। हाँ कितना? अच्छा 3 करोड़। मैं 3 करोड़ तो नहीं, मैं 150 रुपया देगा। ए भगवान, थैंक गॉड आ गई भाई। देखो सर, अभी फोन पे जितना बात हुआ ना वो फाइनल करो रेटा और प्लीज मेरे को घर लेके चलो। हाँ तो फाइनल ही है, उससे ज्यादा डिस्काउंट मैं दे नहीं सकता। चलो ठीक है, दे रहा हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ दे, जल्दी निकल चल। ये लो जितना कैश पड़ा था रखो। ये माँ के जेवर, ये बाप की घड़ी, ये 2 iPhone रखो, ये घर के प्रॉपर्टी के पेपर रो, ये तिजोरी की चाबी और ये फार्म हाउस की चाबी, और बस ये आखिरी चीज दे रहा हूँ, ऐसे ज्यादा नहीं दे सकता मैं, ठीक है? ये फाइनल था। ये 6 Infinity Stone जैसा तुमने मेरे को बोला था, ठीक है लो पकड़ो। अभी प्लीज मेरे को घर लेके चलो, मेरी बीवी अकेली है। तो ये प्रॉपर्टी के पेपर मेरे? हाँ। यार क्या मौसम है यार, चलो चलते कहीं पहाड़ों पे यार, हैशटैग ऑसम मौसम। चलो ना यार लोनावला चलते, मजा आएगा मौसम देख, पहाड़ में घूमने चलते। अरे यार बंद कर, ये काम जीना आराम।
अबे चल ना, सो क्या रहा, उठ ना। अच्छा इधर है क्या? अबे चल ना यार, क्या पूरा दिन सोता रहता है। अबे चल ना, अबे चल ना ब्रो, लोनाला चलते ना ब्रो, बहुत मजा आएगा, साथ में व्लॉगिंग करेंगे, व्लॉग मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता हूँ, तो साथ में अभी कार पकड़ के निकलते, क्या बहुत मजा आएगा, चलो ना राजू, चल रहे हैं लोनावला, चलते हैं, बहुत मजा आएगा, पहाड़ों में घूमते हैं, मस्त ऐसे सेल्फी खींचेंगे, डालेंगे हैशटैग ऑसम मौसम। चुप ना, क्या ऑसम मौसम, मौसम घंटे का ऑसम मौसम, इधर बारिश में लोगों की गड़ पड़ गई है, तेरे को बाहर घूमने जाना है? घूमने चलते, घूमने चलते, पागल हो गए, पानी नहीं देखा, फकीर है क्या? इधर लोगों के चारों तक पानी भर गए, बॉयल अंडे खाएगा, मेरे टट्टे फूक गए पानी में, बाहर घूम के तो देखा पुलिस घूम रही है, बोट पे ऐसे गड़ पे डंडा मारेगी ना। लोनावला चलते, 20 रुपए की मैगी इधर की, उधर 100 रुपए में खा के बोलोगे मेरे झाट के रोंगटे खड़े हो गए। एक चूहा गाइड आएगा तुमको, एक पहाड़ों में लेके जाएगा, पत्थर की गाड़ दिखा के बोलेगा टाइगर पॉइंट है, और ये छपरी लड़कियां नैनो में बैठती और गाने चलाती, लेम्बोर्गिनी पागल है क्या साली, बिस्तर से गिर गई थी क्या बचपन में? साला लोनावला में इतनी पब्लिक जाती है, लोनावला की पब्लिक इधर मुंबई में घूमने आती है, और क्या औसम मौसम, लोकल ट्रेनों में गए साले, एक बार बारिश में ना ट्रेनों में ट्रायल करके देख, इधर मेरा पिछवाड़े में देख छाले पड़ गए, टच करके देख। ठीक है ना, नहीं चलना लाला, मत चल, भड़क क्यों रहा है? खंडाला चलते हैं ना, इसमें क्या है? खंडाला चल के क्या करेंगे? घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या? निकल साले, बाथरूम में जाके ना, हट। सुनो ए, मेरे को कोई शौक नहीं इतना बारिश में मरा के ऑफिस जाने का, ठीक है? तो आज मैं ऑफिस नहीं जाएगा, तुम लोग भी ऑफिस नहीं जाओगे, वो जो ग्रुप है ना बॉस का उस पे तू लिख, बॉस आई कैनॉट कम। क्या, तुझे कैसे पता आई कैनॉट कम? अबे वो वाला कम नहीं, COME वाला कम। ओके ओके, मैं अभी बॉस को टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है? आज तू ऑफिस नहीं जाएगा, तू आज बहाना देगा और तू बॉस को बोलेगा मेरे इधर पानी भर गया। नहीं यार, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ यार। जशु देख, तू नहीं जाएगा। जशु सुन, जशु जशु प्लीज मेरी बात सुन, तू नहीं, मैं तेरे को 2 बियर पिलाऊंगा। डन भाई डन। अभी बॉस को फोन करता हूँ, बोल दो कच्चों तक पानी भर गया, मैं डूब रहा हूँ। सुन कुणाल, तेरा फूफा गटर में बह गया। अबे रो क्यों रहा है? कल ही उसको उधार दिया था। अबे असली बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बॉस को बोलना है, बहाना देना है, सच में तेरा फूफा नहीं बहा है। अच्छा हाँ ठीक है, तुम्हें ओ चमड़ी। हाँ बे फुग्गे, आज तू ऑफिस नहीं जाएगा, समझा? ग्रुप पे लिख, मैं ऑफिस नहीं आ सकता हूँ, पानी भर गया, मेरे इधर बस डूब गई है, बस डूब गई है। हाँ तो मैं ट्रेन से चला जाऊंगा। तो बोल ट्रेन जल गई है। हाँ तो जिस पानी में बस डूबी है वही पानी से ट्रेन की आग बुझा दूंगा। ओ एक्वामैन की सस्ती नाजायज औलाद, इतना मारूंगा साले, ना ट्रेन से जा पाएगा ना बस से, समझा? हाँ ठीक है चल दे दूंगा बारा। बेटा तन्नी, बेटा बॉस को कॉल कर और बोल माय गर्लफ्रेंड इज वेट। क्या? अबे माय गर्लफ्रेंड इज वेट का मतलब तेरी गर्लफ्रेंड भीग रही है पानी में, बारिश में, उसके पास छाता नहीं है, और तेरे पास एक ही छाता है, उसके पास भी एक ही छाता है, तेरे को छाता देने जाना है, समझा? ये बहाना दे बॉस को। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा। हेलो जादू, मेरी बात ध्यान से सुन, तू और मैं एक ही एरिया में रहते तो सेम बहाना देंगे तो बॉस मानेगा। तेरे को बॉस को बोलना है, सर मेरे यहाँ पे पानी भर गया है, लाइट चली गई है, और लाइट का खंबा गिर गया है, और लाइट का खंबा जिस पे गिरा है वो लाइट बनाने वाला है, तो लाइट आने नहीं वाली और पानी जाने नहीं वाला है, सेम टू सेम ऐसा बहाना तेरे को बॉस को देना है। ओके ओके। हेलो कौन बोल रहा है? तेरा बॉस बोल रहा हूँ, बॉस DK। सर पूरे कंपनी की वाट लाग रखी है सर इन लोगों ने, देखो सर मैं देखो कितना वफादार हूँ सर। सर मेरी शक्ल भी कुत्ते जैसी सर, मैं बहुत वफादार हूँ सर। अपने एरिया में गटर में गिरा है सर, झींगे मच्छी की तरह मरियो की तरह आया सर, देखो पास आ रहा है सर। सर वो HR की बहन की दोस्त है, उसने देखो प्रमोशन नहीं किया सर, आप चंद शब्द कुछ मारो इनको निकालो। भेड़ के सर मदरबोर्ड क्या मेरे ऊपर कर्जा है, कर्जा, और तुम लोग छुट्टी मारते हो, मदरबोर्ड इधर काम नहीं करोगे तो कौन करेगा, प्यूट करेगा? सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो पकड़। क्या बात है सर, क्या बात है, हाथ चट कर, हाथ चट कर, गटर में गिरा है ना, हाथ चट कर। बेबी क्या मौसम है ना। नहीं मुझे बारिश पसंद नहीं है। बेबी चलना भीगते प्लीज। नो प्लीज प्लीज ना, भीगते ना, चलना बेबी प्लीज ना प्लीज। अच्छा मुझे पानी पसंद नहीं है। ये क्या बात है, क्या नहाती नहीं है क्या? चलना यार भीगते ना, मजा आएगा यार। नहाती हूँ पर मुझे बारिश का पानी पसंद नहीं है। अरे चले काम करते, वो बॉलीवुड में रोमांस रोमांस करते ना वो खेलते, चल बाहर चल के। अशू नो ना चलना, प्लीज, चलना 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 नाटक मत कर, चल 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 चला जा 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 जा। यार मैं नहीं भीग सकती, समझना। अरे समझ तू ना यार, बारिश एक बार आती है उसमें भी नहीं, नहीं, नहीं। आशु क्या है, मैं 2 मिनट और यहाँ रुकी ना तो क्या होगा? अरे
अरे सुन सुन, मेरे को एक और सीन है दिमाग में, एक और वो फेमस सीन है, वो आशिकड़ू आशिकड़ू का। साली पागल, अरे रुकना, निकाल रहा हूं ना, रुकना रुक। आशु, कि अगर यहाँ पे 2 मिनट में और रुकी ना तो मेरा पूरा मेकअप उतर जाएगा। अली तू तो चलता फिरता फेक आईडी है, स्नैपचैट का फिल्टर लगा के घूमती है रियल जिंदगी में। वो सब छोड़ो ना बेबी, आओ किस करते हैं ना। ए, ए, हट, ए, ए, मम्मी, 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 ए, छोड़ मेरे को। अरे आओ ना बेबी। हेलो गाइस, प्लीज रुको, ये वीडियो मत बंद करना, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट बताना है आपको। उससे पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द वीमेट ऐप, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनिंग ऐप। आप इसे गूगल प्ले पे डाउनलोड कर सकते हो, इस पे वीडियो शूट करके इजीली पैसे कमा सकते हो। सो गो एंड डाउनलोड द वीमेट ऐप नाउ, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ओके गाइस, अभी सबसे इंपॉर्टेंट मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज हमारे वाटर बॉडीज, रिवर्स, लेक्स, जो सीज है, नदी है, उसमें कचरा डालना बंद करें, खासकर केमिकल टॉक्सिक जो वेस्ट होता है। ये सब चीज़ों की वजह से हर जगह वाटर लॉगिंग होती है, और यही वाटर लॉगिंग के कारण पूरे शहर में बाढ़ आती है। और ये साल बाढ़ में न जाने अलग अलग स्टेट्स में कितने लोगों की जाने गई है। और हमारी सिविक सोसाइटी से भी खास कर ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ड्रेनेज सिस्टम के आजू बाजू या उसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करे, इसके कारण भी वाटर लॉगिंग होती है और बहुत लोगों को तकलीफ हुई है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारे देश के सारे आर्मी के जवान, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे ट्रैफिक हवलदार्स, जिन्होंने भी लोगों को रेस्क्यू किया, एनिमल्स को रेस्क्यू किया, उन सबको हमारी टीम की तरफ से और सारी इंडिया की तरफ से एकदम एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट है। आप लोगों ने जो किया कोई नहीं कर सकता शायद, एंड यू गाइज आर द ट्रू हीरोज, सो थैंक यू फॉर योर सर्विस। हमारी ये गलती है कि हम हमेशा दूसरों पर ब्लेम डालते लेकिन खुद कभी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते। सो प्लीज गाइस, इस चीज़ को इग्नोर मत करो, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड लेट्स कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ओके।